यूपी में कल से पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसको लेकर आगरा में भी 27 सेंटर बनाए गए हैं। आइए जानते हैं डीसीपी सिटी सूरज रहे से कि किस तरह के इंतजाम आगरा में किए गए हैं। सर, क्या इंतजाम रहेंगे कल सुरक्षा को लेकर और सॉल्वरों को पकड़ने को लेकर जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उसके संबंध में? देखिए, पिछले लगभग एक महीने से लगातार भर्ती बोर्ड के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो 5 दिवसीय दोनों पाली में होने वाली परीक्षा है कल से प्रारंभ हो रही है। इसकी तैयारियां आरंभ हो गई थी और बहुत ही डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स और डूज एंड डोंट्स जो है हमारी भर्ती बोर्ड ने उसको स्पेसिफिकली बहुत नीचे के लेवल तक हमें रीड किया। हमने अपने कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, इंस्पेक्टर, जितने भी सेंटर्स पे पोस्टेड हैं या जो भी फोर्स हमारा कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, उनको हमने भर्ती बोर्ड की मंशा से प्रॉपर प्रोटोकॉल से सबको अवगत कराया है। और कल से जब ये शुरू हो रहा है तो 27 हमारे सेंटर्स हैं, इस पर लगभग 540 लोगों का पुलिस बल अलग अलग सेंटर्स पे लगा है। इसमें एक पुलिस की तरफ से केंद्र प्रभारी है। चेकिंग फ्रिस्किंग भी इस बार प्रॉपर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा एलआईयू का भी एक कंपोनेंट वहाँ पे सादे वस्तु मद में रहेगा और पुलिस के अलावा एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक केंद्र व्यवस्थापक और इसके अलावा जो कार्यदायी संस्था जिसको परीक्षा कराने का काम मिला हुआ है उसके लोग भी रहेंगे। ये सभी पूरी टीम मिलकर सकुशल इस परीक्षा का कराया जाना सुनिश्चित करेगी। लोकल SHO और ACP जिनके थाना क्षेत्र में सेंटर्स पड़ते हैं, इम्पर्सोनेशन या सॉल्वर्स या इस तरह की सूचना को लेकर उनकी उनको अलर्ट कर दिया गया है। लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उनके द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जो सूचनाएँ आ रही हैं उनके द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो परीक्षा की अवधि है 10 से 12 और शाम 3 से 5 के बीच में जो भी अलर्ट जारी किए जाएंगे भर्ती बोर्ड या कार्यदायी संस्था या इन पार्टीज़ के द्वारा चेकिंग फ्रिस्किंग के क्रम में, उसमें लोकल पुलिस अटेंड करके यदि कोई ऐसी इम्पर्सोनेशन की सूचना आती है तो उस पर मुकदमा लिख के आवश्यक विधिक कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध करेगी। आपके माध्यम से मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको उनसे ये अपील भी करना चाहूँगा और ये संदेश भी देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको इस तरह का कोई लुभावना ऑफर देने की कोशिश करे, पैसे या किसी उसके एवज में आपको पेपर इसमें परीक्षा में पास कराने का लालच दे, उसके झांसे में ना पड़े। ऐसा व्यक्ति आपको आपराधिक कृत्य में अपना हिस्सेदार ही बना रहा है, आपका किसी प्रकार से भला नहीं कर पाएगा। इस बार जो भर्ती के प्रोसेस और नॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किसी प्रकार से ऐसे लोगों के मनसूबों को हम लोग सफल नहीं होने देंगे और एक पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण एग्ज़ाम कराने को लेकर हम लोग कमिटेड हैं और इसको आगरा जनपद में सकुशल हम लोग सम्पन्न करेंगे। आगरा में पुलिस भर्ती को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मैं आशीष शर्मा, अमर उजाला, आगरा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।